20 साल पूरे होने की खुशी में निर्देशक करण जौहर अब कुछ कुछ होता है पार्ट 2 जल्दी लाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है, पर इस बार शाहरुख खान की जगह कार्तिक आर्यन को लिया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान की बेटी अंजलि की कहानी दिखाई जाएगी और उसके किरदार के लिए अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन का नाम सजेस्ट हुआ है, जिनके अपोजिट साइलेंट सरदार को भी कास्ट किया गया है, जिसका बड़े होने पर किरदार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान निभाएंगे। और बताया जा रहा है कि दोनों स्टार किड इस फिल्म में अपने करियर की शुरुआत करेंगे, लेकिन इनमें से अभी भी किसी कलाकार ने कंफर्मेशन नहीं दिया है। फिलहाल फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा है, जिसे देखकर लगता है कि अभी फिल्म के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नई स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में